वेलकम टू आरोग्य संजीवनी। आज के इस वीडियो में हम बेल फल, जिसको संस्कृत में बिल्वा फल कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू शास्त्र में बेल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। बेल वृक्ष की छाल, मूल, पत्ते और फल सभी भाग उपयोगी है। बेल पत्र और बेल के फल में एक प्रकार का सुगंधी तेल मीन्स एरोमेटिक ऑयल होता है, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। बेल फल कच्चे और पके हुए दोनों यूजफुल है, पर दोनों के गुण अलग अलग है। कच्चे बेल का फल डायरिया यानी कि दस्त को रोकता है, जबकि पका हुआ बेल का फल कब्ज को दूर करता है। पके हुए बेल के फल में से बीज को दूर करके मिश्री या गुड़ और नींबू मिलाकर पीसने के बाद छानकर उसका स्वादिष्ट शरबत बनाया जाता है। यह शरबत तासीर में ठंडा है, इसलिए शरीर की आंतरिक गर्मी को दूर करके ठंडक पहुंचाता है। चलिए अब अलग अलग तकलीफों में बेल का प्रयोग किस तरह करना है ये जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। डिसेंट्री यानी पेचिश की शिकायत में कच्चे बेल फल का 1 से 2 चम्मच पल्प सुबह शाम खाने से एलोपैथी दवाइयों से भी ठीक नहीं होने वाली पेचिश की तकलीफ 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती है। बेल का फल आंतों को मजबूत बनाता है। 3 बेलपत्र को रात को पानी में भिगोकर सुबह पीस ले। इसके बाद उसे छानकर थोड़ा पानी मिलाकर पीने से डायबिटीज में बहुत फायदेमंद रहता है। बार बार उल्टी हो रही हो और दवाइयों से फर्क ना पड़े तो पके हुए बेल फल का 5 ग्राम चूर्ण उबले हुए चावल के पानी के साथ लेने से उल्टी में तुरंत आराम मिलता है। माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए पके हुए बेल के फल का पल्प 1 ग्लास पानी में उबाले, ठंडा होने के बाद छानकर उससे कुल्ला करें। इससे मुंह के छालों में जल्दी आराम मिलता है। बेल का शरबत पित्त को शांत करता है। पके हुए बेल का मिश्री डालकर बनाया हुआ शरबत पीने से एसिडिटी में आराम मिलता है। बेल के फल में पाचक एंजाइम्स होते हैं। पके हुए बेल के फल का 3 से 5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पाचन ठीक से होता है। बेल का शरबत पीने से अल्सर में जल्दी से आराम मिलता है। बेल में फिनोल तत्व है, जो अल्सर को हील करने में मदद करता है। बेल के फल में फाइबर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पके हुए बेल के फल का सेवन करने से कब्ज की तकलीफ दूर होती है। बेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर को तंदुरुस्त रखते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए त्वचा को मुलायम और सुंदर बनाता है। इतने सारे फायदों के बावजूद बेल के फल और पत्तों में मौजूद टैनिन अगर बेल का ज्यादा सेवन करें तो शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में और कम समय के लिए ही करना चाहिए। इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।